Hello everyone, I am Sagar Bhanushali and in this video lecture we are going to study about the mutations, which is from the chapter Heredity and Evolution from Science and Technology Part 2. So the topic is mutations. Okay, so last lecture mein humne kya padha tha ki transcription aur phir translation padha, but iske pehle hume padhna tha DNA ka structure. और हमने ये वीडियो में पढ़ा भी है, ओके? तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेलिकल, डबल स्ट्रैंडेड। तो अगर मैं सिर्फ यही स्ट्रैंडेड पे ज़ूम करूँ, तो कैसा होगा? कि ये स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ओके? तो ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड्स को मैं इजी करने के लिए ये बीट्स बना रहा हूँ, ताकि वो बीट्स पॉलीमर की तरह दिखे और वो एक स्ट्रैंड को हम इमेजिन कर सके। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। अब ये किससे बना है? फॉस्फेट ग्रुप प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ओके? तो अब ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, ये भी किससे बना है? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, ये भी इसी से बना है। तो बेसिक डिफरेंस कहाँ आ रहा है? ये दोनों तो सेम है। ये जो चार टाइप के है ना, एडिनाइन, थाइमिन, गुआनाइन, सीटोसिन, ये जो चार टाइप के है ना, वही बेसिक डिफरेंस करते हैं। सपोज ये था ए, ये जी, इसमें टी है, इसमें सी है, फिर वापस ए है, यहाँ पे जी है, ओके? तो ये तो सिर्फ नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस हो गया। तो ये जो सीक्वेंस है ना, वो कोडॉन्स फॉर्म करता है। ये तीन तीन का कोडॉन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, तो इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा तो कैसा होगा? ए, ए जी, टी, सी, ये आगे का स्ट्रैंड हो गया, फिर वापस ए, जी, टी, सी, फिर वापस से ए, ऐसा हो जाएगा। फिर ये आगे का स्ट्रैंड हो जाएगा, आगे कंटिन्यू होगा, बट अब कोडॉन होगा। तो कोडॉन का मतलब क्या होता है? तीन तीन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, वो पेयर बना रहता है। तो अब ये तीन होता है, ये तीन, अब ये तीन, तो ये ग्रुप बना रहेगी तीन तीन का। तो हर एक को मैं कोडॉन बोलूंगा, ओके? तो अब ये कोडॉन एक अमाइनो एसिड बनाएगा, एक अमाइनो एसिड के लिए रिप्रेजेंट करता है, ओके? फिर ये सेकेंड अमाइनो एसिड के लिए रिप्रेजेंट करता है, अमाइनो एसिड टू, फिर ये थर्ड अमाइनो एसिड के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो सिमिलरली ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स फॉर्म होंगे और फिर क्या होगा, उनका चेन बनेगा, ए ए वन, ए ए टू, ए ए थ्री, उनके सीक्वेंस के ऊपर ए ए फोर, ए ए एन, ओके? तो ये जो सीक्वेंस होगा ना, ये एक टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। तो ये प्रोटीन का बनना किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये सीक्वेंस के ऊपर, ओके? तो सिर्फ इतना भी याद रखना जरूरी है कि ये जो प्रोटीन अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है ना, वो ये न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो नाइट्रोजन बेस है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या प्रोटीन फॉर्म करेगा, ओके? तो इधर तक तो आपको समझा होगा। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, दोनों फ्यूज होते हैं, सिनगैमी होता है। तो फर्स्ट मेल गैमेट होगा, सेकंड फीमेल गैमेट होगा। अब दोनों फ्यूज होंगे और एक प्रोजेनी फॉर्म होगा। एक प्रोजेनी फॉर्म होगा, ये होगा जाइगोट, ओके? तो ये मेल 50% जेनेटिक मेकअप देगा खुद का, और ये फीमेल गैमेट 50% जेनेटिक मेकअप देगा खुद का। तो अब सीन क्या होगा कि यहां से जो जीन्स है ना, जीन्स का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है डीएनए का जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। जैसे कि मेरे बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इंसुलिन के लिए एक पर्टिकुलर जीन होगा, ओके? तो सपोज कि ये जीन इसको मेल गैमेट से मिल रहा है, जाइगोट को ना, इंसुलिन का जीन ना मेल गैमेट से मिल रहा है। तो उसका सीक्वेंस क्या है? इमेजिन ऐसा, जस्ट इसको सिंपल वे में कर रहा हूँ ताकि म्यूटेशन रीड कर सके। ये जो मेल गैमेट है ना, जाइगोट को ना इंसुलिन के लिए जीन दे रहा है। तो इंसुलिन जीन का सीक्वेंस क्या होगा? सपोज ए जी टी सी, ए जी टी सी। अब यहाँ पे कोडॉन कितने बनेंगे? ये फर्स्ट कोडॉन, ये सेकेंड कोडॉन, ये थर्ड कोडॉन और ये फोर्थ कोडॉन। तो ये चार कोडॉन्स
ये फर्स्ट अमाइनो एसिड वन बनाएगा, ये अमाइनो एसिड टू बनाएगा, अमाइनो एसिड थ्री बनाएगा, अमाइनो एसिड फोर बनाएगा। ओके, तो ये मेल की तरफ से जायगोट को मिलने वाला है। बट अब गलती तो सबसे होती है, तो यहां पर भी गलती हो जाती है कभी कभार, एकदम कम चांसेस पे गलती होती है। कि सपोज कि ये जो ए है ना, ये ए ना हटके ना टी ऐड हो जाता है, तो अब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, ए जी टी सी, फर्स्ट कोडन तो पूरा का पूरा सेम है। ओके, अब सेकेंड में क्या हो गया, ए के जगह पे टी आ गया, तो अब यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया। तो ये है ना, या अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड चेंज करेगा, डिफरेंट अमाइनो एसिड, ये वाला अमाइनो एसिड नहीं बनाएगा, क्यों, बिकॉज इसका कोडॉन चेंज हो गया है। इसमें भी चेंज हो, इसमें भी फैक्टर है कि शायद वही बनाता है, बिकॉज तीन एक कोडॉन होता है ना, वो एक से ज्यादा अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है, तो बाई चांस कैसा होता है, म्यूटेशन हुआ तो भी वो वही अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि अगर सपोज कि सीटीजी भी सेम अमाइनो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है और म्यूटेशन हो गया और सीएजी का सीटीजी बन गया, तो भी वो सेम अमाइनो एसिड बनेगा, क्यों, बिकॉज सीएजी और सीटीजी दोनों सेम अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। अब थर्ड क्या था, टीसीए और फिर जीटीसी। ओके, ये तीन, फिर ये कोडन हो जाएगा, ये अमाइनो एसिड थ्री बनाएगा, ये कोडन अमाइनो एसिड फोर बनाएगा। अभी ये जो इंसुलिन था उसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस क्या था, ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, बट यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो गया, ए वन ए ए डी, डिफरेंट अमाइनो एसिड, फिर वापस यहाँ पे अमाइनो एसिड थ्री अमाइनो एसिड फोर। तब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये दोनों एक के लिए कोड करते हैं तो वो इंसुलिन ही बनाएगा, और अगर वो एक के लिए कोड नहीं करते हैं तो वो प्रोटीन ही नहीं बनाएगा। ओके, तो ये है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए सीक्वेंस है ना उसमें ना चेंज आ जाता है, एक चेंज आ जाता है। अभी ये कैसा हुआ, इसमें क्या हुआ, सिर्फ एक ही अल्फाबेट चेंज हुआ ना, मतलब एक ही न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ। कभी कभार कैसा होता है, ये जो सीक्वेंस है ना पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है, मतलब ये जो इसके बाद जो सीक्वेंस होंगे ना इसको डिलीट करके दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे, इतने से पार्ट को उड़ा देंगे और फिर वो ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, और कभी कभी ऐसा भी म्यूटेशन होता है कि ये जो सीक्वेंस है ना ये ब्रेक हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएगा, दूसरा सीक्वेंस बीच में घुस जाएगा उसके। ओके, तो तीन टाइप का सी म्यूटेशन हो जाएगा। फर्स्ट टाइप के म्यूटेशन में कैसा होगा, ये वाला म्यूटेशन होगा। ओके, सेकेंड टाइम के म्यूटेशन में क्या होगा, सपोज ये सीक्वेंस है और बीच में ये मेरा इंसुलिन का जीन है, तो क्या होगा पता है, ये इंसुलिन का जीन है ना वो डिलीट हो जाएगा, तो फिर फाइनली कहाँ हो जाएगा, ये दोनों इसको निकाल के खुद ज्वाइन हो जाएंगे। थर्ड टाइप के म्यूटेशन में क्या होगा, ये सेकेंड टाइप का था, ये थर्ड टाइप के म्यूटेशन में क्या होगा, सपोज कि ये एक सीक्वेंस है हाँ, और अब क्या होगा, यहाँ पे ना एक ब्रेक आएगा, और क्या होगा, ये जीन है ना यहाँ से उठ के ना, कोई भी रैंडम जीन का सीक्वेंस होगा ना यहाँ से उठ के ना इसके बीच में घुस जाएगा, तो क्या होगा, ये थर्ड केस हो गया, ये म्यूटेशंस। म्यूटेशंस डीएनए के सीक्वेंस चेंज कर देते हैं, एक अल्फाबेट से एक सीक्वेंस पे आ जाएगा, या फिर एक अल्फाबेट पे आ जाएगा, कोडन पे आएगा, या फिर पूरा सीक्वेंस चेंज कर देगा, या फिर बीच में ऐड होगा या डिलीट होगा, ऐसे बहुत सारे तरीके के म्यूटेशंस हैं। ओके, तो म्यूटेशंस का पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये कि ये कभी कभी ना एक बेनिफिशियल ये हो जाता है, रिजल्ट्स का रिजल्ट ना बेनिफिट करता है, कि अगर सपोज कि ये प्रोटीन तो ये इससे अच्छा प्रोटीन बना रहा है, ये एक नए टाइप का इंसुलिन जो मेरे बॉडी में एक अच्छा चेंज ला रहा है। ओके, तो ये भी ऐसा एक टाइप का नया प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा जो मेरे बॉडी में अच्छा चेंज लाएगा। अभी हम इवोल्यूशन में देख सकते हैं, डार्विन थियरी, तो क्या हुआ कि स्टार्ट में ओरिजिन बैक्टीरिया से हुआ, अब बैक्टीरिया से लेकर हम ह्यूमन बीइंग तक आए, इजीली तो आया नहीं होंगे, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज हो के डेवलपमेंट्स आ आ कर हम इसमें ह्यूमंस तक आ गए हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव साइड था इवोल्यूशन का। अब नेगेटिव साइड क्या है कि सपोज कि ये इंसुलिन का मुझे प्रोटीन चाहिए था, अब यहाँ पे तो ये चेंज आ गया,
तो अब क्या होगा, ये ना प्रोटीन, ये अमाइनो एसिड, इसका सीक्वेंस क्या था, अमाइनो एसिड 1, 2, 3 एंड 4। अब इसमें क्या हुआ, अमाइनो एसिड 1 और फिर सेकेंड अमाइनो एसिड अलग हो गया, तो अब क्या होगा, ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा हमको, डायबिटीज। ओके, तो ये एक डिजीज हो गया म्यूटेशन की वजह से। जनरली डायबिटीज इससे नहीं होता है, बट ये मैंने एग्जाम्पल बताया ऐसा कि ये इजी वे में मिल सके। ओके, तो अब ये तो था सेकेंड, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड था इसका। अब कभी कभार कैसा होता है कि जो प्रोटीन हमको चाहिए वो बनता ही नहीं है, और वो प्रोटीन की हमें बॉडी के मैकेनिज्म को जरूरत होती है, तो वो मैकेनिज्म हो गया शट डाउन, तो वो डिजीज क्रिएट कर देता है। ओके, तो ये तो मैंने सिंपल एकदम इजी एग्जाम्पल बताया। सब लोगों ने सिकल सेल अनीमिया के बारे में तो पढ़ा होगा। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि जो सिक्स्थ अमाइनो एसिड होता है ना, सिक्स्थ अमाइनो एसिड होता है ना, वो चेंज हो जाता है, जो प्रोटीन फॉर्मेशन का सिक्स्थ अमाइनो एसिड। यहाँ पे मैंने कैसे बताया था, अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2, अमाइनो एसिड 3, अमाइनो एसिड 4, ऐसा सीक्वेंस पे जाता है। अमाइनो एसिड एन एन नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, ऐसा लिंक करते हैं, फिर एक नया प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। ओके, तो यहाँ पे जो सेल्स में जो प्रोटीन फॉर्म होने वाला होता है ना, उसका सिक्स्थ अमाइनो एसिड ना वो चेंज हो जाता है। तो सिक्स्थ अमाइनो एसिड होता है ना, रिप्लेस, इसका नाम ग्लूटामिक एसिड होता है। ये सिक्स्थ अमाइनो एसिड जनरली ग्लूटामिक एसिड होता है, बट ये रिप्लेस होकर क्या बन जाता है, एलाइन। तो अब ये नया अमाइनो एसिड फॉर्म हो गया। तो जब ग्लूटामिक एसिड सिक्स्थ अमाइनो एसिड होता है ना, तो सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है पता है, पॉपिंस के जैसा, पर्टिकुलर पॉपिंस के जैसा। ये अंदर ऐसा एक बीच में ग्रूव हो जाता है, यहाँ पे ऐसा होगा, फिर वापस नीचे, यहाँ पर वापस ऐसा होगा, मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर ये ऐसे देखेंगे तो ऐसा हो रहा है। इसको मैं अगर थोड़ा सा ये साइड लूँ तो, ओके, तो ये जनरल जब ग्लूटामिक एसिड होता है तब होता है, बट जब वो रिप्लेस हो जाता है वेलाइन से, तो वो कैसा हो जाता है, सिकल सेल जैसा हो जाता है, ऐसे सेल्स बन जाता है, ऐसे सेल बन जाते हैं। तो इसका नेगेटिव साइड क्या है, जब ये ऐसे हो जाते हैं ना, तो बॉडी में ना इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन ये सप्लाई करना, दे कैरी ऑक्सीजन एंड दे गिव इट टू टिश्यूज, रेड ब्लड सेल्स है ना, ये क्या होता है, जब ऑक्सीजन लेते हैं और बॉडी के टिश्यूज में सप्लाई करते हैं। बट ये तो बराबर स्ट्रक्चर है, तो ये काफी ज्यादा ऑक्सीजन ले सकता है। अब ये स्ट्रक्चर है तो ये क्या होता है, ये ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पाता, तो वो टिश्यूज एकदम डैमेज हो जाते, तो वो इसके लिए इसको सिकल सेल अनीमिया बोल जाएगा। बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, ये केस में आ जाएगा तो। ओके, तो ये म्यूटेशन की वजह से डिजीज। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिक्स्थ अमाइनो एसिड था ग्लूटामिक एसिड, इसको वेलाइन ने रिप्लेस कर लिया, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलाइन आ गया। ओके, तो फर्स्ट म्यूटेशन में क्या पढ़ा हमने, एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस में चेंज आ जाता है, सीक्वेंस में एडिशन होता है, डिलीशन होता है, या फिर अल्फाबेट चेंज हो जाते हैं, नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाता है सीक्वेंस का, वो पढ़ा म्यूटेशन के बारे में। फिर क्या पढ़ा, पॉजिटिव साइड इवोल्यूशन, नेगेटिव साइड क्या था, कि जो प्रोटीन हमको चाहिए वो प्रोटीन फॉर्म ही नहीं होगा, तो वो मैकेनिज्म स्टॉप हो जाएगा, तो हमारा बॉडी वो मैकेनिज्म कर नहीं पाएगा, तो वो डिजीज क्रिएट करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या था, सिक्स्थ अमाइनो एसिड, ये सिकल सेल एनीमिया का केस था, सिक्स्थ अमाइनो एसिड दैट इज ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन, तो वो नॉर्मल सेल्स थे वो सिकल सेल, सिकल शेप सेल्स में कन्वर्ट हो गए, सिकल। ओके, इसका शेप ना सिकल, सिकल शेप का होता है, इसके लिए ये डिजीज को सिकल सेल अनिमिया बोलता है। ओके, सो दिस वॉज द लेक्चर अबाउट म्यूटेशन। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू।